आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जिनकी तूती कभी रामपुर में बोला करती थी, लेकिन आज के वक्त में उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक चल रहे मुकदमों में फंसकर आजम खान अब शायद अपना आपा भी खोते हुए नजर आ रहे हैं। 25 जुलाई को आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, जहां 3 घंटों से भी ज्यादा तक उनकी पेशी चली और 18 मुकदमों पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान आजम खान को बड़ा झटका ये लगा कि 18 में से 11 मामलों में आजम खान पर आरोप तय हो चुके हैं। 25 जुलाई को यतीम खाना और डूंगरपुर से जुड़े 11 मामलों में आजम खान पर आरोप तय हो गए हैं। इनमें से भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे भी शामिल हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। इतना ही नहीं, यतीम खाना और डूंगरपुर से जुड़े 7 मुकदमों में 22 जुलाई और 4 मुकदमों में पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सपा सरकार में यतीम खाना बस्ती के घरों को तोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार आने पर साल 2019 में बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में आजम खान के इशारे पर लोगों से मारपीट और लूटपाट करने और घरों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था। तो वहीं साल 2019 में ही गंज कोतवाली में डूंगरपुर बस्ती के लोगों की ओर से 11 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आरोप था कि सपा सरकार में यहां आसरा आवास बनाने के लिए उनके मकानों को तोड़ दिया गया था। विरोध करने पर पीटा गया और लूटपाट भी की गई थी। पीड़ितों का कहना था कि ये सब आजम खान के इशारे पर किया जा रहा है। मुकदमे में पहले आजम खान का नाम नहीं था, विवेचना के बाद पुलिस ने उनका नाम भी आरोपितों में शामिल कर लिया था। अपनी पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आए आजम खान से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और लानत भेजने की बात तक कह डाली। पूरा देश जानता है और जहां जहां मानवता बसती है वो सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा अन्याय पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो हमारे शहर के साथ, हमारे साथ, हमारे परिवार और हमारे लोगों के साथ हुआ है। लिहाजा अब इस पर कोई बहस ना किया कीजिए, आप निंदा किया कीजिए, लानत भेजा कीजिए, थूका कीजिए ऐसे लोगों पर, ऐसी विचारधारा पर और ऐसा जुल्म करने वाले लोगों पर थूका कीजिए। आजम खान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। जब एक मीडियाकर्मी ने उनसे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप वही कहते हैं जो हमारा दुश्मन कहता है। किसने कह दिया आपको झटका लगा? आपका मन जो कहता है आप वही कहते हैं जो जो हमारा दुश्मन कहता है, क्योंकि आप उनके लोग हैं, आप हमारे लोग थोड़े हैं। देखिए, हमने उसे दो रिलीफ मांगे थे, कि मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने ये मांगा था, ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, ना 2 पासपोर्ट हैं, ना 2 पैन कार्ड हैं। तो सुना आपने कि आजम खान किस तरह खुद पर लगे आरोपों से बिलबिलाए हुए से नजर आ रहे हैं और जो आरोप उन पर तय हुए हैं उनसे उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। हालांकि लगभग 2 साल तक जेल में रहने वाले आजम खान के लिए ये कानूनी लड़ाई आसान नहीं होने वाली, और उनके वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि आजम खान पर डूंगरपुर और यतीम खाना से जुड़े सभी मामलों में आरोप तय हो चुके हैं, जिसके चलते ही सुनवाई के बाद एक लंबा समय कोर्ट की कार्रवाई में लगा था। डूंगरपुर और यतीम खाना से संबंधित मामलों में चार्ज फ्रेम हुआ है कुल 11 मामलों में। कौन कौन हाजिर? अब कुल मिलाकर डूंगरपुर और यतीम खाना के जितने मामले थे अब तक सभी में चार्ज फ्रेम हो चुका है। आज 11 मामलों में चार्ज फ्रेम हुआ है, उसमें तैयारी होती है, टाइप होता है। अभी तक जज साहब भी अदालत में थे और पेशकार साहब और स्टैनो बाबू सारे लोग ही बिजी थे, ज़्यादा मटेरियल टाइप होना था इसलिए इतना टाइम लगा। ज्यादा मामले थे इसलिए इतना लंबा समय लग गया, तो इसी बात से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। और इस बात को आजम खान भी बेहद बेहतर ढंग से जानते हैं कि उनके लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। और अगली सुनवाई में इस मामले से जुड़े सभी गवाहों को तलब किया गया है।
क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।